राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। गुरुजी मेरे आपसे तीन प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि क्या अपने धर्म के प्रति कट्टर होना, यानी कि अपने धर्म पर सहजता से डटे रहना, क्या ये गलत है या सही है? सही है। अपने धर्म के लिए कट्टर होना बिल्कुल सही है। हम अपने धर्म को क्यों छोड़ें? स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। गीता आज्ञा करती है कि अपने धर्म में रहो, अपने धर्म में जियो और अपने धर्म में ही मरो। अन्य किसी धर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए किसी को। जी गुरुजी। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो अपने धर्म के बारे में जानती ही नहीं है। अगर मतलब हम उन्हें बताने की कोशिश भी करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि वो हमें ही गलत ठहरा देती हैं। अभी परसों ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि मतलब मेरे स्कूल में मैं और मेरे दोस्त हिंदू धर्म के ऊपर एक चर्चा कर रहे थे कुछ विषयों को लेकर। तो उसमें कुछ ऐसी बात हुई जिस पर बहस होने लगी। तो मैं आपकी कथा रोज़ाना सुनती हूँ, हमारे घर में रोज़ सुबह आपकी कथा चलती है। तो उससे मुझे जितना ज्ञान मिला है और मेरे माता पिता ने जितना मुझे सिखाया है, उस समझ से जब मैंने उस आधार पर उत्तर देने की कोशिश की तो मेरे दोस्तों ने मुझे ही गलत ठहरा दिया और मुझे गलत साबित कर दिया कि तुम हिंदू धर्म को लेकर कट्टर हो और तुम्हारे मन में जो ये सोच है ना, ये भरी गई है, ये बिल्कुल गलत है। क्या चर्चा थी, क्या बात कर रहे थे आपके दोस्त? गुरुजी वो बात ऐसी थी कि एक तो साईं बाबा का प्रसंग आया था, उसमें बोल रहे थे कि जो साईं बाबा हैं वो भगवान है। मैंने बोला कि मैंने कथा में ये सुना है कि जो साईं बाबा थे वो फकीर थे और फकीर मुसलमानों में होते हैं, आपने बताया हिंदू में तो साधु संत होते हैं। तो मैंने बोला कि फकीर तो शब्द ही मुसलमान है, तो साईं बाबा भी मुसलमान ही थे क्योंकि साईं शब्द भी आपने बताया कि मुसलमान है। लेकिन वो सब मतलब उल्टा मेरे ऊपर चढ़ गए कि मतलब तुम तो हिंदू मुस्लिम में भेद करती हो, ये है वो है। मतलब मैंने इतना समझाने की कोशिश की लेकिन वो 6-7 जने थे और मैं अकेली थी, मैं किस किस को कैसे जवाब दे पाती? कोई बात नहीं, शेर अकेले ही होता है, गीदड़ की झुंड होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी जगह सही हो, झुंड झुंड में गीदड़ होते हैं, शेर झुंड में नहीं होता। आप अपनी जगह सही हो। देखिए बात ऐसी है कि संतों के रूप में हम सबका सम्मान करें पर भगवान के रूप में नहीं। भगवान एक हैं, आपको ये बोलना चाहिए। आप उनसे ये नहीं बोले कि भगवान कितने हैं, आपने उनसे पूछा नहीं कि आप कितने भगवान मानते हैं। जी गुरुजी भगवान तो एक ही है। नहीं उनसे आपने नहीं पूछा? नहीं उनसे ये सवाल मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना बताया कि आपको सवाल क्या है। कांटे को कांटा निकालता है, जहर को जहर काटता है, सवाल को सवाल ही काटेगा, सवाल को उत्तर नहीं काटता, सवाल को। ये तरीका है जब कोई आपसे सवाल करे कि कोई जैसा आपने नाम लिया कि क्या वो भगवान है, तो आप उनसे ये पूछना कि ये पहले ये बताओ कि आप कितने भगवान के बारे में जानते हैं, कितने भगवान मानते हैं, तो वो बताएंगे। वो उनको ज्ञान होगा तो वो ये बताएंगे कि भगवान एक है। यदि ज्ञान नहीं होगा तो 17 भगवान बताएंगे, समझ लेना कि अज्ञानी है। जो 17 भगवान बताए वो अज्ञानी, और जो एक माने एक ईश्वर में वो ज्ञानी है। 17 है ही नहीं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। फिर आपको ये बोलना था कि जब भगवान एक है तो उनसे फिर सवाल करना था कि तुम्हारे बाप कितने हैं। वो बताते कि बाप एक है, तो आप पूछना फिर सवाल करते क्या दो बाप हो सकते हैं। फिर वो बताते नहीं दो बाप नहीं हो सकते, तो फिर आपको कहना था जैसे दो बाप नहीं हो सकते ऐसे दो भगवान नहीं हो सकते। जी गुरुजी। और मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि बाहर के लोग मतलब उनकी सोच आजकल ऐसी हो गई है कि वो कहते हैं कि तुम्हारा ना ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तुम्हारे दिमाग में इन चीज़ों को भरा जा रहा है, तुम्हारे अपने कोई सिद्धांत नहीं है हिंदू धर्म को लेकर, तुम्हारा अपना कोई ज्ञान नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये सिखाई जा रही हैं और वो चीज़ें तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे दिमाग में भर रही हैं। अब गुरुजी आप ही बताइए, ज्ञान तो बच्चों को अपने माता पिता से ही मिलता है ना, और किससे मिलेगा? उनसे बोलना कि बेटा ये पूरी धरती और दुनिया में जितने मजहब पंथ और हैं वो सब सनातन संस्कृति के ज्ञान पर ही टिके हैं, यहीं से सबने ज्ञान चोरी किया है। यहाँ जो ज्ञान इतना साइंटिफिक ज्ञान है उनसे पूछना कि आपके आज डॉक्टर बताता है कि स्त्री के गर्भ में जो बच्चा है 3 माह का हो जाए तब उसका लिंग परीक्षण होता है, लड़का है कि लड़की,
तुम आज ये बात जानते हो, हमारे ऋषि मुनि ने हमारा अपना ज्ञान हजारों साल पहले ये बता चुका है, भागवत जी में लिखा, समझाओ ना मूर्खों को। अब पढ़े तो जाने, नहीं पढ़े। अब उनसे पूछना कि सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, जब नासा नहीं था 1950 के पहले, 1940 के पहले तो नासा भी नहीं था, तो जब नासा नहीं था तब क्या सूर्य ग्रहण नहीं पड़ता था? जब पड़ता था, जब नासा नहीं जानता था, तब भी भारत के लोग जानते थे कि पंचांग में लिखा रहता था। हमारे देश में शतक पंचांग होता है, शताब्दी पंचांग, 100 साल पुराना पंचांग भी मिल जाएगा, वो पंचांग भी आज अवेलेबल है जो जब नासा नहीं था। आप गूगल में डालना कि 2050 में किस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, गूगल अभी ना बता पाएगा इतने आगे का। लेकिन आप पंचांग उठाकर देखिए हमारे सनातन धर्म का, आज की डेट से 100 वर्ष आगे का पंचांग है, आज से 100 साल 2099 में किस तारीख को कितने बज के सूर्य ग्रहण पड़ेगा, वो आज लिख दिया गया। ये भारत का ज्ञान है। अब इन मूर्खों को समझाए कौन, जो अभी गूगल भी नहीं जानता कि 2099 किस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, 99 कौन जानता है, लेकिन हमारा शताब्दी पंचांग बताएगा, और वही बताएगा जो परफेक्ट है। मतलब इतने आगे की गणित भी निकालने कोई बैठा है, तो हिंदू धर्म में ये ताकत है, सनातन में ये ताकत है। ये साइंस तुम क्या पढ़ोगे और क्या पढ़ाओगे, तुमने अपनी संस्कृति को भुला दिया, अपने धर्म को पढ़ना भूल गए, अपनी संस्कृति को भूल गए, वरना आज दुनिया में हर रिसर्च आप कर रहे होते, अर्थात भारत कर रहा होता। उनसे बोलना कि विमान का आविष्कार किसने किया, दुनिया के किसी धर्म की पुस्तकों में विमान का जिक्र नहीं है, पर हिंदुओं के वेद पुराणों में पुष्पक विमान का जिक्र है। मतलब हम विमानों की टेक्नोलॉजी को जानते थे, इसलिए पुराणों में जिक्र है, वरना दूसरे मजहब पंथ के धर्मों के लोगों ने क्यों जिक्र नहीं किया। दूसरा, उनसे बताना कि 1885 में दलपदे जी ने विमान बनाया था, उसके पहले सतयुग में करदम जी ने विमान बनाया था, नाम था कामक विमान, और राइट ब्रदर्स ने 1903 में विमान बना के उड़ाया। समझाओ कि राइट ब्रदर्स तो आज के हैं, हम तो पहले से, पुष्पक विमान और दलपदे जी का नाम याद करो कि दलपदे जी ने 1885 में विमान बनाया था, उसी ड्राइंग को ये लोग कॉपी किए थे। अब जानते नहीं ना भारत के इतिहास, ये तो सिकंदर को महान बताने वाले लोग हैं जो जीता बस, ये तो भूल गए कि हमारी अपनी संस्कृति क्या है। ये झांसी की रानी को नहीं पढ़ते, स्वामी विवेकानंद जी को नहीं पढ़ते, आद्य शंकराचार्य जी को नहीं पढ़ते, वरना ये बहुत आगे जाते। और गुरु जी, एक आखिरी चीज, मुझे सबसे बड़ा झटका तो ये बात सुन के लगा, मतलब वहाँ पे कोई था जिसने बोला कि श्री रामचंद्र भगवान जो थे, उन्होंने जो 14 साल का वनवास काटा था, उसमें जब वो चित्रकूट गए थे, चित्रकूट पूरा पहाड़ी इलाका है, वहाँ ना कोई फल ना फूल ना सब्जी कुछ नहीं है, तो जो श्री रामचंद्र जी थे उन्होंने शिकार किया और उन्होंने उसे खाया। अब मैंने कहा इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में ऐसी बात कह दी, मूर्ख है एक नंबर के, गुदना मिले तो गोद दोन के माथे पे, मूर्ख नंबर वन। रामचरितमानस पढ़ो, चित्रकूट के बारे में वहां लिखा है कि जब राम जी चित्रकूट गए तो वहां के कोल भील आए, लिखा है ये, हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, वहां के कोल भील आए और दोनों में फल फूल लेकर आए और राम जी को अपने हाथ से उन्होंने फल फूल दिया, राम जी ने खाया, लिखा है ये। वहीं पर ये चौपाई आई है कि जब लोग कोल भीलों ने कहा क्या ये हमें स्वीकार करेंगे, तब उन्हीं कोल भीलों में से एक ने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान नहीं हरी, वहीं की चौपाई है। चित्रकूट फलों से भरा जंगल था और वहां पर नाना प्रकार के फल थे, है ना, और वहां पर लिखा है ना, ना हम कहें ना आप कहो, उनसे बोलो मूर्खो पढ़ा करो कुछ। और गुरुजी बस एक आखिरी बात, आज मेरे माता पिता की 24वीं सालगिरह है, तो आज हम वृंदावन आए और मैं चाहती हूँ आप उनको एक बार मुबारकबाद दे। बिल्कुल, भगवान आपको सुखी रखे, गंगा यमुना की तरह, क्या शादी की सालगिरह है तो गंगा यमुना की तरह आपकी जोड़ी बनी रहे, राधे राधे राधे, खुश रही है, खुश रही, और बेटा आशी का चार आपके चरणों में खुश रही है, प्रसन्न है। बेटा आपसे कह रहे हैं ये मोर्चा बिल्कुल संभाले रहना, बच्चों को बिल्कुल अपनी तरह योग्य बनाना,
गुरुजी उनका ज्ञान का बिल्कुल पतन करना उनके अज्ञान का। जब ये स्कूल जाती है तो हम सुबह ही आपकी कथा लगाते हैं, काम करते करते आपकी कथा सुनती रहती। हर माँ बाप को बच्चों को कथा सुनाना चाहिए, कथा सुनेंगे तो आप जवाब देने के लायक बनेंगे, वरना सुनते सुनते चली गई उम्र तुम्हारी। गुरुजी इसने काफी सवालों का जवाब दिया अपने स्कूल में, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपकी कथा हम इतने इसको सुना के। इसलिए हम कथा में भी सवाल जवाब करते हैं। हम लोग कहते हैं महाराज जी आप कथा नहीं सुनाते, नहीं कथा की जरूरत नहीं है, कथा सबको याद है, अब उन सवालों की जरूरत है जो आज के युग में बच्चों को चाहिए। मैं इस बात पर गौर करते हैं आप लोग, हम यही सवाल जवाब करते रहते हैं। ये देखो बच्चों के काम की चीज है, आने वाले भारत में ये चीजों की जरूरत है, वो हम देना स्टार्ट कर चुके हैं। कथा तो सब जानते हैं कि राम जी थे वनवास 14 साल के गए, बाकी उनके आगे पीछे का जो रहस्य है वो हम आपको बताते हैं। तो गुरुजी ये सुनती है और सभी का आंसर देती है जहां तक इस पे होता है ये सब आपका। अब हमने जो बताया टेक्निक बताई कि इस तरह से आपको सवाल से सवाल करना सीखिए, ठीक है। राधे राधे गुरु जी, खुश रहे। उनको ये सवाल फिर पूछना एक बार, तुम्हारे बाप कितने हैं।